उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम अपडेट्स पर नजर डालेंगे। तो विधानसभा में बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने अस्पतालों में सरकारी चिकित्सकों की भर्ती के लिए बार बार विज्ञापन निकालने और फिर उन्हें रद्द किए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार विज्ञापन निकालती है और उसे कैंसिल कर देती है। राजधानी के सबसे प्रतिष्ठित लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए भी विज्ञापन निकाला गया और फिर कैंसिल कर दिया गया। इसी तरह सैफई यूनिवर्सिटी को लेकर भी सरकार ने विज्ञापन निकलवाया और फिर कैंसिल कर दिया। नेता प्रतिपक्ष ने उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से सवाल किया कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्या आप किसी को खुश करने के लिए या किसी का इंतजार करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? जब उसका कोर्स पूरा हो जाएगा तब उसे विज्ञापन के माध्यम से शामिल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 45 मेडिकल कॉलेजेस हैं, मैं सिर्फ दो के बारे में पूछ रहा हूं। लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट में जो पद खाली हैं वो कब तक भरे जाएंगे? इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा यह प्रश्न मूल प्रश्न से हटकर है, इसलिए वो अधिकारियों से बात करेंगे। ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि इसके संबंध में सदन को वो अवगत भी कराएंगे। पर्याप्त पद जो खाली है, मैंने यही कहा था कि माननीय मंत्री जी को बजट बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बजट में पर्याप्त बजट मिला होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से ये जानना है कि लगातार विज्ञापन आप निकालते हैं और विज्ञापन के बाद उसको आप कैंसिल कर देते हैं, फिर विज्ञापन निकालते हैं। सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, आपने विज्ञापन निकाला, क्या NMC के मानक से विज्ञापन था, फिर आपने विज्ञापन कैंसिल कर दिया। इसी तरह सैफई यूनिवर्सिटी में आपने विज्ञापन निकलवाया और फिर विज्ञापन आपने कैंसिल कर दिया। कारण क्या है? क्या आप किसी को खुश करने के लिए या किसी का इंतजार कर रहे हैं कि जब उसका कोर्स पूरा हो जाएगा तो इस विज्ञापन के माध्यम से उसको शामिल कर दिया जाएगा? माननीय मंत्री जी मुझे उम्मीद है बताएंगे, क्योंकि मेडिकल कॉलेज 45 हैं, सबके नहीं मैं पूछ रहा हूँ, केवल दो इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछ रहा हूँ। और कैंसर इंस्टीट्यूट में पर्याप्त पद जो खाली हैं वो कब तक भरे जाएंगे? माननीय मंत्री जी, माननीय नेता विरोधी दल जी ने जो सवाल पूछा है वो मूल प्रश्न से हट करके है, लेकिन हम इस सवाल का जवाब आपको देंगे और आज ही हम अधिकारियों से बात करेंगे ऐसा क्यों हुआ और आपकी चिंता।